गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। तो हमने कल एक सेशन स्टार्ट किया था कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें नंबर सिस्टम का मैंने क्लासिफिकेशन देखा था और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल तो हमने देख चुका था कि नेचुरल नंबर्स को फर्दर हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर में हम लोग क्लासीफाई कर रखे थे। उसमें तो और भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये नंबर्स, ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिसके बीच का कॉमन फैक्टर केवल वन होता है। टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर वन, और ये वन केवल वन ही होना चाहिए, उसे हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, उसे को प्राइम बोलते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल इसका है को प्राइम का, जैसे सेवन हो गया और एलेवन, ये को प्राइम है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों प्राइम ही हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं नंबर लाइक टू एंड नाइन, ये दोनों भी को प्राइम है। को प्राइम को हिंदी में बोला जाता है स अभाज्य संख्या। एक और कैटेगरी होता है को प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर होता है। ये नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स का पेयर होता है, इसका डेफिनेशन है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। हैविंग अ डिफरेंस ऑफ टू, एग्जाम्पल है लाइक टू एंड फाइव, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस टू है। सिमिलरली फाइव एंड सेवन, ये सब जो पेयर हैं ये है ट्विन प्राइम्स हैं। तो ये सब नंबर्स का पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यही सब नंबर का जिक्र होता है, और ये सब नंबर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सब मैं बेसिक करा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, और क्वेश्चन जब समझ में आ जाता तो तुम्हारा आपका 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। इतना तक तो हमने कर रखा है। अब इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे एक आता है परफेक्ट नंबर आता है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर बोलते हैं हम लोग नंबर हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आर ट्वाइस द नंबर। इसका क्या मतलब है, हमने लिखा है कि वैसा कोई भी नंबर जिनके सारे फैक्टर्स का सम अगर उसके दुगना हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल होता है परफेक्ट नंबर का, सिक्स एक हमारा परफेक्ट नंबर है, कैसे वो देखते हैं, तो इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ये होगा वन टू थ्री और सिक्स। फैक्टर्स का मतलब मैंने कल ही समझाया था कि वैसा कोई भी नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे उसे फैक्टर बोलते हैं। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं क्या आता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, इन सब का सम करना है। तो वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व, और ये जो ट्वेल्व आ रहा है, ये जो ट्वेल्व आ रहा है ये क्या है, ट्वाइस है सिक्स का, ट्वेल्व दैट इज ट्वाइस ऑफ सिक्स। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर, इसलिए सिक्स यहाँ पे परफेक्ट नंबर होगा। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 28 होता है, आप ये सब चेक कर लेना। तो अभी तक हमने जो देखा ये सब बेसिक नंबर्स थे जो क्वेश्चंस में हमेशा मेंशन होते हैं। अगर ये नंबर्स को आप समझ जाओगे तो काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। अब मैं कुछ फैक्ट्स होते हैं फैक्टर्स रिलेटेड, उन्हें मैं डिस्कस करता हूँ।
इन फैक्ट से आप सीधा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्ट जो सब कोई जानता है, वन जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड फैक्ट इज जो नंबर है खुद का भी फैक्टर होता है। नंबर इज इटसेल्फ अ फैक्टर फर्दर देखेंगे फैक्टर में हम लोग। जो फैक्टर होता है हमेशा नंबर से बड़ा या छोटा होगा, हमेशा नंबर से छोटा होता है। तो इसके बेसिस पे आप जो ऑप्शंस होते हैं उसे एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन में। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। और भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, पॉज करना। नेक्स्ट इज अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ देयर सम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक फोर, फोर इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। फोर 12 को डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा। हमने यहाँ लिखा है कि जो फैक्टर है, अगर दो नंबर का कोई एक फैक्टर है तो दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा। तो इसको चेक करते हैं। तो जो 12 और 16 इसका सम आ जाएगा 28। और हम जानते हैं 28 जो है ये 4 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में। तो इससे हम कन्फर्म हो सकते हैं कि जो नंबर है, अगर दो नंबर का फैक्टर है तो वो दोनों के सम का भी फैक्टर होता है। सिमिलरली अगर उसका हम डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस का भी होता है फैक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग, अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ टू नंबर इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। पिछले वाले एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, फोर फैक्टर था 12 और 16 का, ट्वेल्व एंड 16 का डिफरेंस ले लेते हैं हम। दैट इज 16 माइनस 12 दैट इज 4। और ये 4 जो है सब डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, ये 1 आ जा रहा है, मीन्स 4 डिवाइड कर रहा है इसके डिफरेंस को भी। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं फैक्टर्स रिलेटेड, जिनका यूज करके आप क्वेश्चंस को इजली उसके ऑप्शंस को ऑड वन आउट कर सकते हो। तो ये सब अगर ध्यान में रहेगा आपको प्रॉपर्टीज़, तो आप काफ़ी इजली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर कुछ। कल के क्लासिफिकेशन और आज के वीडियो पे हम लोग, कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन पे हम लोग क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने कल क्लासिफिकेशन में देखा था, तो उसमें आपको आंसर करना है, बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है ये,
आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर तो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होंगे कि नहीं। हमने वहाँ देखा था कि रैशनल नंबर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स में। इसका आंसर हो जाएगा यस। जिन्हें कन्फ्यूजन लगेगा वो फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, क्लैरिटी आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे हमने फैक्टर के बारे में बात किया था, क्वेश्चन यहाँ पे आर 242 और फैक्टर ऑफ 6। इस क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। पॉज कर लेना, वहाँ पे कट कर लेंगे, देख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से आर ऑल नेचुरल नंबर्स नंबर्स इंटीजर्स, तो इन सब के आप आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन तो एक बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज आर ऑल इंटीजर्स अ होल नंबर, फोर्थ क्वेश्चन इज आर ऑल रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स, आर ऑल रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे जो आप जो क्लासिफिकेशन उसके बेस पे आंसर कर सकते हो इजीली। और बहुत सारे नंबर्स जो क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे मैंने बताया था नेम द वनली इवन प्राइम नंबर, तो भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हम बोल लेते हैं नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। जैसे प्राइम नंबर में देखा था तो फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन, पढ़ा लेते हैं बिटवीन 30 to 50, और इसके आप नंबर ही मेंशन करना कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से प्राइम नंबर है 30 से 50 के बीच में। अब इसके प्राइम नंबर फाइंड करने के कौन मेथड भी होता है, उसके बारे में जो जानते हो आप कमेंट करना, अगर ज़रूरत होगा तो मैं इसे भी समझा दूंगा। एक होता है इरास्तोथेनिस मेथड होता है, इरास्तोथेनिस, इसको सीव मेथड ही बोला जाता है। इसके बेसिस पे आप इजिली 1 to 100 तक का या फिर किसी भी नंबर तक का आप प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर इन नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। फिलहाल और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अनलिमिटेड, तो मैं क्वेश्चंस का एक लिस्ट आप कमेंट में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जो कुछ लगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप चाहते हो मैं पढ़ाऊँ उसे आप कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू।